बागेश्वर पंडित बद्रीदत्त पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलने से छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिष्ठान वितरण किया। उन्होंने छात्रों और प्राध्यापकों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि अब सीमांत के छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहरी जनपदों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने परिसर की अधिसूचना जारी करने के लिए छात्रों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक चंदन राम दास सहित प्रदेश सरकार का भी आभार जताया। बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी के नेतृत्व में छात्रों ने कैंपस बनने का जश्न मनाया। सत्रह पे नई सरकार आई तो नई सरकार आने के तुरंत बाद हमने यहाँ माननीय विधायक चंदन रामदास जी के द्वारा वो बात कैंपस रखने की बात यहाँ पर कही तो इस पे कार्रवाई हुई। तत्पश्चात आज आप देख रहे हैं कि माननीय राज्यपाल जी द्वारा और इससे पूर्व जब माननीय चंदन रामदास जी हमारे कॉलेज पे आए थे एनुअल फंक्शन में, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बागेश्वर महाविद्यालय एक कैंपस के रूप में अस्तित्व में आएगा। तो आज आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा भी इसकी मंजूरी हो गई है और इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्थानीय विधायक चंदन रामदास जी का। आया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न छात्र नेताओं द्वारा और विभिन्न छात्र नेताओं ने जिस प्रकार पूर्व से भी महाविद्यालय को कैंपस बनाने की जो मांग को प्रमुखता से लिया था, इस वर्ष छात्र संघ में आते भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी कि उस मांग को हम प्रमुखता से उठाएं। और इस बार हमने अपने चुनावी भाषण में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इसी वर्ष महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलेगा। तो मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हालांकि लंबे समय के बाद आखिरकार छात्रों के मन की मुराद पूरी हुई है। अब जिले के दूरस्थ कांडा, कपकोट, दुगनाकुरी, गरुड़ आदि तहसीलों के छात्रों को भी जिले में ही बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि कैंपस बनने से यूजीसी सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाएंगी। विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। कैंपस में निदेशक के नियुक्ति के बाद छात्रों की मूलभूत समस्याओं का तत्काल निदान हो सकेगा। कॉलेज में भी प्राध्यापकों के रिक्त पद, विषयों की कमी जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी। बता दें कि राज्यपाल की अधिसूचना जारी होने के बाद अल्मोड़ा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया है, जिसके बाद ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर के डिग्री कॉलेज को भी परिसर का दर्जा मिल गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट।